तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीम वेल्डिंग के बारे में, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग के बारे में। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्डिंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन, तो आज हम डिस्कस करेंगे सीम वेल्डिंग के बारे में, जो कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही एक टाइप है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग कैन बी डिफाइंड एज सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्ड्स। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ कॉन्टिन्यूअस ज्वाइंट्स बिटवीन टू ओवरलैपिंग पीसेस ऑफ सीट मेटल। दोस्तों ये जो वेल्डिंग है दो कॉन्टिन्यूअस वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग जैसा ही है, लेकिन ये जो है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होता है। मतलब अगर दो मेटल पीसेस को अगर हम इस तरह से कंसिडर करते हैं, ये कोई दो मेटल सीट्स हैं और इनको अगर हमें वेल्ड करना है, तो यहाँ पे एक रोलर ये अपर साइड में और दूसरा रोलर इस साइड में करंट को पास करते हुए और हीट करते हुए मेटल को आगे बढ़ाता जाएगा इस तरह से, और ये चीज वेल्ड होती रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक सप्लाई सिस्टम बना रखा है और सप्लाई सिस्टम के बाद यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो इलेक्ट्रोड्स इंटायरली डिफरेंट है। लास्ट जैसा कि हमने स्पॉट में डिस्कस किया था, यहाँ पे इंटायरली डिफरेंट है। वहां पे हमने एक दो पिन टाइप के इलेक्ट्रोड्स यूज किए थे, यहाँ पे हमने दो रोलर टाइप के इलेक्ट्रोड यूज किए हैं और उसके बीच में हमने एक शीट को रखा है। ये शीट इसमें कॉन्टिन्यूस तरीके से अंदर की ओर रोल करता हुआ आएगा और इसमें जो करंट पास हो रही है वो करंट इनके बीच में जो मेटल है उसको हीट करती जाएगी और ये हीट होते हुए इतनी हीट कर देगी कि इसके मेटल्स के जो पार्टिकल है डिफ्यूज होके एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। और ये जब इसके अंदर समर्ज हो जाएगा और तो इसके बाद जो पीस निकलेगा ये पीस कंप्लीटली सील्ड मिलेगा, वेल्डेड मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि इसके इंटरप्टर, मतलब जैसे ही हमारा ये जो भी प्रोसेस हो रहा था कंप्लीट होगा, इस सर्किट को इंटरप्ट कर देगा, रोक देगा। तो और एक बात यहां और देखने वाली बात है कि इस पे पूरी जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस में जो आपका प्रेशर है वो कॉन्टिन्यूअस अप्लाई होना चाहिए। इस प्रोसेस को, इस कंप्लीट प्रोसेस को, वेल्डिंग सीम वेल्डिंग प्रोसेस को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें बहुत ही सील्ड अगर कोई चैम्बर बनाना है, कोई सिलेंडर या फिर इस तरह की चीज बनानी है, गैस डिपेंडिंग अपन एप्लीकेशन, अगर हमसे वाटर टैंक बनाना चाह रहे हैं तो इसमें हमें कॉन्टिन्यूअस सीमिंग चाहिए। अगर हमें इतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं चाहिए तो हम इसको बीच बीच में प्रेशर तो कॉन्टिन्यू रहेगा लेकिन हम करंट को बीच बीच में थोड़ी दूर चला करके ब्रेक करके फिर चलाएंगे, फिर ब्रेक करेंगे, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। सी प्रोसेस में दिखाया गया, बी प्रोसेस में इसको एक रेगुलर इंटरवल पे हम करंट को पास करेंगे, प्रेशर कॉन्टिन्यूस अप्लाइड रहेगा और देखिए जैसे जैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो वेल्डिंग है वो कॉन्टिन्यूस रहेगी। देखिए यहाँ पे ज्वाइंट कहीं नहीं छूटा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं हमने इसको एक रेगुलर इंटरवल पे करंट बढ़ रही घट रही बढ़ रही घट रही, मतलब इसका जो डिफ्यूजन है वेरी कर सकता है लेकिन सीम कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पे भी प्रेशर कॉन्टिन्यूस अप्लाइड है लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इंटरवल पे यहाँ पे इसको हमने सीम किया हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसका जो ये जो हमारा सीम वेल्डिंग है इसकी रेंज क्या है, जो सीट हम सेलेक्ट करेंगे उस कितनी थिकनेस की शीट पे ये काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको आपके लिए लिख रखा है वर्किंग थिकनेस रेंज, मतलब ये जो कितने थिकनेस तक इसको इस पे वर्क कर सकता है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि ये 0.25 mm से लेकर के 3 mm मोटी सीट तक ये जो सीम वेल्डिंग है वो इजिली अप्लाइड होता है और हम इसको इसमें यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। अब हम इसमें देखना चाहते हैं कि इसका जो आपका एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ हो सकता है। सीम वेल्डिंग जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, सीम वेल्डिंग मतलब ये सिलाई जैसा है और ये कॉन्टिन्यूस है, तो इसके लिए हम जैसा कि गैस को अगर हमें कोई गैस चैम्बर बनाना है, कोई वाटर चैम्बर बनाना है, या कोई पाइप है, या फिर कोई टैंक ट्रांसफार्मर का है, फ्यूल का टैंक है,
फ्यूल का टैंक है, तो इस तरह के वेल्डिंग में हम इसे इस तरह के एप्लीकेशन में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये रहा सेम वेल्डिंग। उसके बाद देखते हैं, हम कवर करते हैं जो हमारे टॉपिक में नेक्स्ट वेल्डिंग थी उसको हम कवर करेंगे। आइए देखते हैं।